मैं रोहित सिन्हा, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनशाइन पाठशाला पर। दोस्तों, हम लोग पिछले अध्याय में संसाधन के बारे में पढ़े थे। संसाधन कितने तरह के होते हैं, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। हमने संसाधन का वर्गीकरण भी पढ़ा था कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह का होता है, जैव और अजैव। फिर हम लोग पढ़े थे समापिता के आधार पर संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। दोस्तों, उसको हम लोग रिवाइज करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो पहले हम लोग रिवाइज कर लेते, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। पहले जानेंगे दोस्तों, संसाधन मुख्य रूप से दो तरह का होता है, प्राकृतिक और मानवकृत। प्राकृतिक और मानवकृत। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो हमें प्राकृत के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको बनाने में मानव का कोई सहयोग नहीं है, मानव की कोई भूमिका नहीं, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे में अब प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह का होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय के संसाधन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन भी दो तरह का होता है, जैव और सतत अथवा प्रवाह। जैव सतत अथवा प्रवाह। जैव मतलब वैसा संसाधन सतत अथवा प्रवाह में आएगा जल और पवन। सतत अथवा प्रवाह का मतलब क्या, जो बहते रहता है। और जैव संसाधन वैसा संसाधन जो जैव मंडल से लिया जाए गया है या लिया जाता है, और जिसमें जान होता है, जिसमें जान होता है, यानी जो जैव मंडल से लिया जाता है और जिसमें जान होता है, उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। तो जैविक संसाधन और सतत अथवा प्रवाह जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और जैव में वह प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव। अनवीकरणीय संसाधन दो तरह के होते हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब वैसा संसाधन जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, उसे बोलते हैं पुनः चक्रीय। और अचक्रीय संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसको एक बार इस्तेमाल कर ले तो फिर वो खत्म हो जाता है, उसे बोलते हैं अचक्रिय। और ये दोनों जो है अनवीकरणीय संसाधन का ही भाग है। जैसे पूर्ण चक्रिय में धातु है, अचक्रिय में ईंधन है, जीवाश्म है। जो भी हम कोई ईंधन इस्तेमाल करते हैं एक बार, वो फिर दोबारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक रह गया मानवकृत संसाधन। तो मानवकृत संसाधन में संस्थाएं हो जाएगा, मात्रा की गुणवत्ता हो जाएगी, या फिर कोई वो मेटरलिस्टिक जो सब्सटेंस होता है जैसे पंखा, ट्राइपोड या फिर ब्लैक बोर्ड, जो भी हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मानव के संसाधन क्या अंतर्गत आता है। यहाँ तक हमने रिवीजन में, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये क्या था, अभी तक जो हमने पढ़ा, जो अध्ययन किया, वो क्या था, पिछले अभी तक जो हमने अध्ययन किया वो क्या था, पिछले जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उसको हमने फिर से रिवाइज किया। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना हक, अधिकार के आधार पर जो संसाधन, उसे बोलते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर चार तरह के संसाधन होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे बारी बारी से, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है निजी संसाधन, जिसको व्यक्तिगत संसाधन भी बोलते हैं।
निजी संसाधन जिसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन भी बोलते हैं, दूसरा है सामुदायिक संसाधन। तीसरा जो है वो है राष्ट्रीय संसाधन। और आखिरी जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन पहले समझेंगे, निजी संसाधन हम किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और वो बदले में सरकार को लगान देती है, कर देती है, उसको हम कहते हैं निजी संसाधन। जैसे मेरे पास मान लिया जाए मेरे 4 बीघा जमीन है, अब मुझे 4 बीघा जमीन है, एक कट्ठा जमीन जो भी मेरे पास जमीन है, उस जमीन पर मेरा अधिकार है, और मेरा अधिकार है, बदले हम सरकार को क्या दे रहे हैं, बदले हम सरकार को पैसा दे रहे, लगान दे रहे, तो वो जो होगा वो होगा निजी संसाधन के अंतर्गत आएगा। अब लेकिन कुछ है जैसे मंदिर, तो ये मंदिर जो होता है वो किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उस पर किसी खास समुदाय का अधिकार है। तो मंदिर हुआ, ये मस्जिद जो है ये निजी संसाधन नहीं होगा, ये सामुदायिक संसाधन हुआ। सामुदायिक संसाधन है, सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरे समुदाय का या किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं हम सामुदायिक संसाधन। जैसे मंदिर है तो यहाँ पर एक खास समुदाय के लोग वहाँ पर पूजा करने जाते हैं, मस्जिद है वहाँ पर जो है खास समुदाय के लोग पूजा करने जाते हैं, पशु चारण जो होता है जहाँ पर जो है खास लोग पशु को चहाने के लिए जाते हैं, तालाब है, पोखर है, तालाब, पोखर, पशु चारण, मस्जिद, मंदिर, ये सब पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं है। ये सभी जगह पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का, एक खास समुदाय का अधिकार है, उसे हम बोल देंगे सामुदायिक संसाधन। फिर होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देखा जाए तो देश में उपलब्ध सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, देश में उपलब्ध सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, और सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वो जनता के हित के लिए व्यक्तिगत संसाधन का भी अधिग्रहण कर सकती है, उसे अपने अपने कब्जे में ले सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं जब सरकार हमारे तरफ विकास का कार्य करती है, सड़के का निर्माण करती है, नहर या डैम ये सारा चीज बनाती है, तो उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का जमीन जाता है, तो जो जिस व्यक्ति का जमीन जाता है बदले में उन्हें पैसा मिलता है। तो वैसे संसाधन यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्र में मौजूद सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्र में मौजूद या देश में मौजूद सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, और उस संसाधन का अगर किसी व्यक्ति का भी संसाधन है तो वो सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है, उसे अपने अधिग्रहण में ले सकती है, उसे अपने कब्जे में ले सकती है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है, वो जनता के हित में अगर होगा वो कुछ करना चाह रही है तो। और वैसा हम लोग प्राय देखने को हमें ये मिलता है। जो अंतिम है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिस पर किसी खास देश का या किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, और वह जो है समुद्र तट से किसी भी देश के समुद्र तट के सीमा से 200 किलोमीटर तक उस देश का उस क्षेत्र पर अधिकार होता है। जैसे अगर भारत का ही देख लेते हैं तो भारत के इधर जो है तो 200 किलोमीटर तक भारत देश का जो क्या है अधिकार क्षेत्र में है, इधर भी 200 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 किलोमीटर तक जो है उस भारत क्षेत्र का जो है अधिकार क्षेत्र में आएगा, और बाकी जो एरिया होगा वह किसी के कब्जे में नहीं होगा, वह उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, ना कि किसी देश का। किसी भी देश का जो समुद्री तट पर नियंत्रण होता है वह 200 किलोमीटर तक ही होता है, उसके बाद जो है जो एरिया आता है, जो क्षेत्र आता है, उस पर जो है
किसी क्षेत्र किसी देश का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। तो हमने पढ़ा निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन जिसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन भी कहते हैं, वैसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति का जमीन है, ये जायदाद है, संपत्ति है, तो वो उस व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है, उस पर उसका हक है। तो उसलिए वो वैसे संसाधन क्या हो गए, निजी संसाधन हो गए। और जैसे हमारा जमीन हो गया, या फिर हमारी जायदाद हो गई, या हमारी संपत्ति हो गई, ये सब क्या है, ये सब जो है निजी संसाधन है। या फिर हमारा घर, हमारा घर पर हमारा अधिकार है, तो हम वो भी क्या है, निजी संसाधन में। तो वैसा संसाधन जिस पर जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम निजी संसाधन कहते हैं। बदले में वो क्या करती हो, सरकार को लगान देती हो, ये कर देती हो, उसे हम बोलेंगे निजी संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता हो, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता हो। जैसे कि मस्जिद है, तो इसमें एक खास समुदाय का अधिकार है, मुस्लिम लोग उसमें पूजा करने के लिए जाते हैं। मंदिर है, इसमें हिंदुओं का उस पर जो अधिकार है, उसमें हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं। तो ये किसी कोई मनाहट नहीं होता है कि हर व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है, किसी खास का नहीं होता। तो उसे वैसे संसाधन को बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। फिर पशु चारण होता है, इसका उदाहरण तालाब है, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। फिर राष्ट्रीय संसाधन, हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय संसाधन जो देश में मौजूद पर उपलब्ध सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यह किसी व्यक्ति के और सरकार जो है उसको वैधानिक हक प्राप्त होता है, कानूनी हक होता है, कि किसी भी व्यक्ति के संसाधन का इस्तेमाल कर सकती है जनता के हित में, उसको अपने अधिग्रहण में कर सकती है, उससे अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है और उसका इस्तेमाल कर सकती है वो जनता के हित में। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हमने पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिन पर जो है किसी का राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। और किसी भी देश के क्षेत्र से किसी भी देश के राष्ट्र का जो अधिकार होता है, वह 200 किलोमीटर तक समुद्री तट पर जो है, वह भारत देश ही है। तो भारत देश का जो अधिकार क्षेत्र वो 200 किलोमीटर ही है, समुद्र के अगल बगल जो एरिया है वो 200 किलोमीटर तक ही जो है भारत के अधिकार क्षेत्र में। उसके बाद जो है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में, उसके बाद बाकी वाला जो एरिया है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में है, उसके नियंत्रण में होती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।